गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको फीड और आरपीएम की कैलकुलेशन बताऊंगा, जिससे आप इजीली प्रोग्रामिंग में फीड और आरपीएम पुट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीसी कटिंग स्पीड जो हमें दे रखी होती है कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले आरपीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पिंडल स्पीड जिसका फॉर्मूला है वीसी इंटू 1000 डिवाइड बाई इंटू डाई ऑफ टूल। वीसी हमारी कटिंग स्पीड है जो मीटर पर मिनट होती है, जो गिवन होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.142 और डायमीटर ऑफ टूल, टूल का जो डाया है वो हमें पुट करना है। फॉर एग्जांपल सैंडविक का टूल है जिसका डाया 125 mm है, फेस मिल है जिसकी कटिंग स्पीड 250 मीटर पर मिनट है, जिसकी स्पिंडल स्पीड अपन ने को फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 250 इंटू 1000, वीसी 250 है कटिंग स्पीड, डिवाइड बाय पाई इंटू 125 डाया ऑफ टूल। आफ्टर कैलकुलेशन 636 रिवोल्यूशन पर मिनट फाउंड होंगे, जिससे अपन इजीली आरपीएम पुट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अदर वैल्यू फीड कैलकुलेशन, स्पिंडल स्पीड डिवाइड 10, जो हमारे आरपीएम है, स्पिंडल स्पीड है, उसको पुट डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे mm पर मिनट इच इंसर्ट की फीड आ जाएगी। तो हमारे टूल के अंदर जितने भी इंसर्ट लगे हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्रोग्राम की फीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 इंसर्ट है तो 63.6 इंटू 5 इक्वल टू 318 mm पर मिनट हमारी फीड आ जाएगी। थैंक यू गाइज़।